ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो स्टूडेंट, देखो आप लोगों ने पावर एक्सपोनेंट्स का इसके पहले वाला वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों का, ठीक है ना। तो पावर एक्सपोनेंट्स के उसके कुछ बेसिक लॉज मैंने वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग सेकंड वीडियो में कुछ डिफिकल्ट टाइप्स के क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस पावर एक्सपोनेंट्स से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लेट्स सी ऑन द बोर्ड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। देखो हम लोग उन्हीं लॉज को अप्लाई करते हुए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये माइनस फोर है बेस और ये पावर, ये बेस और ये पावर, ये तो आप लोगों को मालूम है। यहाँ डिवाइड हो रहा है, इट इज ए डिविजन, ठीक है। तो डिवीजन हो रहा है तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ बेटा, ठीक है ना। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो अच्छे से, ठीक है। उसमें सारे बेसिक्स लॉज वगैरह सारी चीजें बताइए, इसके बाद फिर इस वीडियो को देखो आप, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ। माइनस फोर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड इट मीन्स मेरी पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। माइनस फोर टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री इट मीन्स पावर माइनस वन होगी, ठीक है ना। यहाँ ऑलरेडी माइनस है। अब इसके लिए भी मैं एक रूल आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर मुझे पॉजिटिव पावर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे बेस को वन के डिवाइड में यानी कि इसको डिनोमिनेटर बना दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर की पावर वन। इट मीन्स आई कैन ऑल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस इज योर आंसर, गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो। अब माइनस टू लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा लॉ हमारा अप्लाई हो सकता है, सर ये वाला लॉ इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ए अपॉन बी पावर माइनस वन अगर दी हुई है तो इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, बी अपॉन ए पावर एन, गॉट इट। इट मीन्स डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर और पावर मेरी क्या हो जाएगी सर, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 2 अपॉन सॉरी 1 अपॉन 2 की पावर 3, इट मींस ये बस कितना ही रहेगा अपना, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1, और जो पावर है वो क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव बन गई, गॉट इट, ठीक है। तो पावर यहाँ पर जब आपकी पॉजिटिव बन गई, इट मींस अब 2 की पावर 3 एंड उसकी भी पावर 2, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का सर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यह कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मतलब 2 की पावर 6। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन 2 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 पावर माइनस 4, गॉट इट, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 पावर माइनस 3, इसका मतलब अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसमें मैं कौन सा लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, यही वाला लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करके क्या लिख दूंगा मैं, 2 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट में भी यही होगा, 2 अपॉन 1 तो पावर हो जाएगी मेरी पॉजिटिव और पावर प्लस, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इट मींस व्हाट, 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, पावर्स यहां पर हमारी मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर में ऐड कर सकता हूं, और बेस भी मेरा कितना है, सेम है बेस भी, तो बेस अगर सेम होता है तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7, और ये 2 की पावर 7 होने के बाद ये 2 की पावर 2 ऑलरेडी, तो 2 की पावर 7 और * 2 कितना हो जाएगा सर, 2 की पावर 14, बिकॉज जब भी पावर के ऊपर पावर होती तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर डायरेक्टली मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। What it is, student? तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चंस। मूव करते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलो मूव करते हैं हम कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर्स के, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करने का तरीका बार बार देखो कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हो सकता है वहां पर हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन को इजी बनाएंगे, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है ना। आप सपोज करो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ ताकि क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। पावर माइनस में, पावर माइनस में, ठीक है ना। अब पावर को मुझे अगर प्लस करना है या पॉजिटिव फॉर्म में अगर उस पावर को मुझे लेकर के जाना है तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी सर, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर कर दो, यानी कि 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये वाला माइनस से चार साइन चेंज नहीं होगा बेटा, ये साइन वही रहेगा, बट जो पावर थी वो पावर आपकी नेगेटिव से
पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ भी पावर आपकी नेगेटिव है तो क्या करो, 4/3, 3/4 को 4/3 कर लूँ। और क्यों करते हो उसका रीजन मैं बता चुका हूँ द फर्स्ट वीडियो, गॉट इट। चलो ये बात समझ में आ गई हमने क्या किया मैंने। अब आपको इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, क्या है, बहुत सारे तरीके। किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अभी पावर माइनस में है, यहाँ पर मेरी पावर आपकी ऑड है या इवन है बताओ, ठीक है ना। ये पावर आपकी इवन है, यानी कि अगर पावर आपकी इवन होती है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है बेटा, ठीक है ना। तो इसको मैं दो बार माइनस करके लिखू या दो बार प्लस करके लिखू, बात एक ही रहेगी। तो 3/2 को मैं 2 टाइम राइट कर रहा हूँ, 3/2 माइनस का 3/2। तो देखो यहाँ पर माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, इट मींस ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। माइनस देखो इधर 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4/3, समझ में आया, ठीक है। 3 से 3 को, इस 3 से इस 3 को क्रॉस करो, गॉट इट। कितना हो जाएगा बताओ, 2 2 4 एंड इस 2 से इस 2 को खत्म कर दो। अब जो नंबर बचे हुए हैं उन नंबर्स को कर दो अपने सॉल्व, कितना हो जाएगा 16, 4 4 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 3, गॉट इट। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व किया, जिसे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ, यहां पर अब दोनों पावर आपके नेगेटिव है सर, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे 3/4, ठीक है ना, इसको राइट करेंगे, पावर 1 ही हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं क्या लिख लूंगा 16 डिवाइडेड बाय 15, और पावर कितनी हो जाएगी सर, पॉजिटिव, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो अब 3/4 है मल्टीप्लाइड बाय 16/15 एंड 16/15 हियर, गॉट इट सर। 4/4 16 होता है ना, 4/4 16, ठीक है, एंड 5/3 15 भी होता है, इसको मैं काट सकता हूं यहां से, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास आंसर, देखो 16/4 64, ठीक है, एंड 15/5 75, गॉट इट ऑल दिस फ्रेंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, समझ में आया ना क्वेश्चन इस, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ये तो पूरा पावर आपके अगर जीरो है, यानी कि क्या बन गया हमारा, वन बन गया, क्या बन गया, वन, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को अपन लिखें या नहीं लिखें बात देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो स्पेस हमारी जाएगी प्रॉपर्टी, इसलिए अपन इस पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वन है, और वन इसलिए छोड़ रहा हूं अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता ना बेटा, तो उस वन को अगर छोड़ देते तो अपन बहुत बड़ी गलती करते, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, और वन का अगर किसी नंबर मल्टीप्लाई होता तो वही नंबर आता है, इसलिए मैं इस पार्ट को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, बात ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, पावर आपकी नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है 5/2 की पावर 3 ओनली, यहाँ ध्यान से करना है, पावर आपकी यहाँ पॉजिटिव है बेटा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है तो ये वाली जो टर्म होगी ये एज इट इज होगी, और ये टर्म ऑलरेडी वन बन चुका है, तो नो नीड टू राइट दिस टर्म, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। हाउ कैन वी सॉल्व, वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस मेथड 5/2, राइट 3 times 5/2, ठीक है, एंड दिस इज अ स्क्वायर, गॉट इट। तो 4/15 एंड 4/15 हियर, अंडरस्टैंड ऑल दिस फ्रेंड, ध्यान से सुनो, ठीक है। 5/2 हो गया, 4/15 ऑलरेडी है उधर वन है, ठीक है। अब देखो 2 2 4 और इस 2 से इस 2 को अपन क्रॉस कर सकते हैं, एंड 2 2 4 ऑल्सो हियर, गॉट इट, एंड 5 3 15 एंड 5 3 15, अंडरस्टैंड। चलो अब देखो यहां पर जो जो टर्म हमारी बची हुई रिमेनिंग बची हुई है उन टर्म्स को हम राइट करेंगे, तो यहां पर मेरा 5 है और यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब डिनोमिनेटर को देखो कि डिनोमिनेटर में कोई सी टर्म बची है, सर 3 बचा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 राइट करेंगे, ठीक है। और यहां पर ऊपर देखो ऊपर कोई सी टर्म बची है, सर 2 बचा है, तो 5 2 एंड 3 3 दो टर्म ये बची है, तो 10 डिवाइडेड बाय 9 इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
अंडरस्टैंड हो गए स्टूडेंट, समझ में आया? ठीक है ना।